प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा दो टाइप्स होते हैं डाटा के एक प्राइमरी डाटा uh, और एक सेकेंडरी डाटा प्राइमरी डाटा में क्या होता है द डाटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स कॉल्ड द प्राइमरी डाटा प्राइमरी डाटा में ये होता है कि जिस जिस चीज़ की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए डायरेक्ट हम जब उससे जाके कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा सपोज मुझे किसी पर्सन का डाटा चाहिए तो मैं उस पर्सन से डायरेक्टली जाके जब डाटा को कलेक्ट करती हूँ तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा इट इज़ वेरी रिलयबल सेकेंडरी डाटा व्हेन द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स वी कॉल्ड इट एज सेकेंडरी डाटा फॉर एग्जांपल इंटरनेट मैगजीन एसेट्रा सेकेंडरी डाटा में क्या होता है जब मुझे डाटा चाहिए होता है किसी भी चीज़ का मैं उस बंदे से ना जाके किसी और अदर सोर्स से लेती हूँ लाइक इंटरनेट मैगजीन एसेट्रा आफ्टर कलेक्शन ऑफ़ डाटा इट नीड्स टू बी अरेंज इन टैबुलर फॉर्म इन एनी डिज़ायरेबल वे विच इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा जब हम कलेक्शन कर लेते हैं डाटा की तो हमें यह ज़रूरी बनता है कि हम डाटा को टैबुलर फॉर्म में टेबल फॉर्म में प्रजेंट करें जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा द डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज इन द फॉलविंग मैनर अल्फाबैटिक ऑर्डर इन केस ऑफ नेम्स अल्फ़ाबैटिक ऑर्डर में हमें करना होता है उसको और असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इन केस ऑफ न्यूमरल्स जब नंबर्स में होता है तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं लेकिन जब नेम्स में होता है तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में उसको हम अरेंज करते हैं मार्क क्या होता है अ मार्क इज़ द साम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अक्रेंस ऑफ इन इवेंट इन दैट पर्टिकुलर टेबल द सिम्बल इज़ यूज दिस अगर हमें मार्क्स में सपोज हमें कोई भी नंबर को शो करना है तो हम कैसे करते हैं वो हम इधर बताएंगे ठीक है लाइक like मुझे फाइव स्टूडेंट्स को टेली मार्क में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगी वन टू थ्री फोर दैट फाइव कट कर देंगे फाइव पे क्लियर इफेक्टिव वे इज टू अरेंज द गिवन डाटा इन फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म वेअर फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड द नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर्स इन द टेबल इफेक्टिव वे होता है जब हम डाटा को गिवन डाटा को फ्रीक्वेंसी की टेबल में फॉर्म करते हैं वे आर फ्रिक्वेंसीज कॉल्ड द नंबर ऑफ टाइम्स फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या था नंबर ऑफ द टाइम्स द इवेंट अकर्स इन द टेबल फॉर एग्जाम्पल गिवन बी लो डाटा इन द मार्क्स इन मैथ थर्टी चिल्ड्रेन ऑफ क्लास आउट ऑफ थर्टी फाइव ये आपको डाटा दे रखा है थर्टी चिल्ड्रन का क्लास सिक्स के जितने उन्होंने थर्टी फाइव में से स्कोर करे तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको डाटा को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रिक्वेंसी टेबल में मैंने आपको पहले भी बताया था नंबर्स होंगे तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में और अगर नेम्स होंगे तो करेंगे उसी हिसाब से अरेंज सॉल्यूशन बोलता है टू अरेंज द गिवन डाटा इन टेबुलर फॉर्म सबसे पहले हमें टेबुलर फॉर्म टेबल बनानी है फर्स्ट वी अरेंज इट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नाउ वी कैन पुट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म इन फ्रिक्वेंसी टेबल हमने जितने भी मार्क्स थे डाटा था उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना लिया हाइएस्ट से लोएस्ट में और हमने देखा कि थर्टी फाइव जो है वो कितनी टाइम्स अकर हो रहा है तो थर्टी फाइव कितने टाइम्स अकर हो रहा है फोर टाइम्स उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई और मार्क्स वन टू थ्री फोर बन गया तो हमने इसको और सारे डाटा को सो ऑन ऐसे ही रिप्रेजेंट करा बट आपको ये देखना है यहाँ पर कि जो फ्रिक्वेंसी का टोटल है दैट इज थर्टी और यहाँ पर भी जो थर्टी चिल्ड्रन थे तो दोनों क्या हैं सेम आपका फ्रिक्वेंसी का टोटल और जो डाटा अबव होता है वो बिल्कुल मैच करना चाहिए राइट नाउ पिक्टोग्राफ पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ जब हम पिक्चर्स के थ्रू किसी भी चीज को किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव मैथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा यूजिंग अ पर्टिकुलर सिम्बल किसी भी सिम्बल को यूज़ करके किसी भी पिक्चर्स को हम यूज़ करके पिक्टोग्राफ को बना सकते हैं रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पिक्टोग्राफ फॉर इंटरप्रेटिंग अ पिक्टोग्राफ वी नीड टू फर्स्ट रीड द पिक्टोग्राफ एंड अंडरस्टैंड द गिवन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जो पिक्टोग्राफ दिया होगा उसमें आपको उसको अंडरस्टैंड करना है और रीड करना है सपोज फॉर एग्जाम्पल नेम्स ऑफ द टाउन गिवन एंड इलिटरेट फीमेल्स गिवन स्केल दे रखे आपको कि जो ये सिंबल है किसको डिनोट करता है हंड्रेड फीमेल्स को तो आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल्स टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट बताने हैं तो जो टाउन ए है टाउन ए हंड्रेड को कर रहा है ये तो वन टू थ्री फोर फोर इंटू हंड्रेड फोर हंड्रेड टाउन बी वन टू थ्री थ्री इंटू हंड्रेड थ्री हंड्रेड लाइक टाउन सी टाउन डी तो टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स आ गए आपके पास सबको आपने क्या कर दिया प्लस कर दिया हाउ मेनी इलिटरेट फीमेल्स आर देयर इन टाउन सी कितने हैं टाउन सी में 500 हैं तो so, आपने 500 कर दिए इन हाउ मेनी टाउन्स मोर देन 400 हंड्रेड फीमेल्स आर इलिटरेट टाउन सी इसमें हमने थोड़ा सा क्या करा ये जो टाउन सी है हमारा इसको भी हमने थोड़ा सा सिंबल हमसे ऐसे हो गया था तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे राइट right? नाउ नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पिक्टोग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टू ड्रॉ और रिप्रेजेंट आर पिक्टोग्राफ वी यूज पिक्चर्स और सिम्बल्स पिक्चर्स और सिम्बल्स आर यूज टू इंडिकेट अप्रोप्रेट यूनिट्स जब भी हमें पिक्टोग्राफ को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करते हैं पिक्चर्स बना के या फिर सिम्बल्स बना के सपोज अ सिम्बल में रिप्रेजेंट मल्टीपल यूनिट्स बट समटाइम इट इज़ डिफिकल्ट टू ड्रॉ सपोज

डाटा बारोग्राफ एक अदर वे रहता है जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डाटा को बारोग्राफ इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हें बी ड्रॉनिजोटली और वर्टिकली अभी मैं आपको बताऊंगी जो बार्स होते हैं बार ग्राफ पे वो तो चाहे हम हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और चाहे हम वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल ऐसे में और वर्टिकल हमारा ऐसे होता है विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन दैम उनके बीच में स्पेस क्या रहेगा इक्वल एंड द लेंथ ऑफ ईच बारोगग्राफ रिप्रेजेंट द गि नंबर वो आपको जो नंबर गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से भी क्लियर करेंगे रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बारोग्राफ आपको ये बारग्राफ गिवन है दैट इस हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और जो इधर लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज वाई एक्सिस एक्सिस को आपने जरूर मेंशन करना है फिर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है और यहाँ पर आपको जूसेस गिवन है बट आपको ये देखना है कि जो आपने गैप स्टार्ट करा है यहाँ से ये जीरो से ही करना है और ये जो इनके डिफरेंस होगा जैसे जीरो से टू तक टू आया तो सब में टू टू का डिफरेंस लेना है या सब में फाइव फाइव का डिफरेंस शुड बी Same. और यहाँ पर स्टूडेंट फेवरेट जूस दे रखे हैं आपको तो आपने रीड द ऑरेंज कितने का है एट का नाउ ये तो हमारा हो गया रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बारग्राफ अब हम बात करते है, draw, given data. Given data हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ बारग्राफ टू ड्रॉ रिप्रेजेंट अ बारग्राफ ऑफ गिवन डाटा से हम बारग्राफ को

इधर हम x एक्स लिखेंगे और इधर हम लिखेंगे y एक्सेस ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सेस है स्केल हमें हमेशा मेजर यहाँ पर मेंशन करना है जो भी हम स्केल चूज कर रहे हैं फाइव का टू मीटर टू मिली यहाँ पे तो हमने ये देखा ना कि टू एम लिया हमने आपने फाइव लेना है फाइव ले लो टेन लेना है, बट वो सेम होना चाहिए जीरो से यहाँ तक जो भी सेम गैप चल रहा है वही सेम होना चाहिए अब ज्नोफॉल होगी नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा इधर शो होते हैं वाई एक्सिस पे और जो जिस चीज़ का हमें डाटा शो करना होता है वीक्स वो इधर नंबर ऑफ वीक्स ठीक है अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और स्केल का आपने ज़रूर ध्यान रखना है और ये आपको गैप भी ध्यान होना चाहिए अब वीक वन में हमें बोला ट्वेंटी तो ट्वेंटी पे गए हम हमने ट्वेंटी पे, पे पॉइंट लगा के इसको कर दिया कि हमारा बारग्राफ बन गया नेक्स्ट है ट्वेंटी सिक्स देन ट्वेंटी टू देन आपका नेक्स्ट वाला क्या है टेन तो आपने ये देखना कि जो बार की विड्थ है ये क्या है सेम है सब में ठीक है और जो इनका डिफरेंस है वो भी क्या है सेम है वन वन का गैप दे रखा है ये नहीं कि आपने यहाँ पे टू कॉलम्स छोड़ दिए फिर आप थ्री कॉलम्स छोड़ रहे नो सेम थैंक यू